वुमेन्स डे पर खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सुमित्र सैयद। इस वुमेन्स डे पे हम उस हर औरत को सेलिब्रेट करेंगे और विश करेंगे जो कि एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, एक सास भी है, एक बहू भी है, एक डॉक्टर भी है, एक टीचर भी है और एक इंजीनियर भी है और एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट भी है। हमारे साथ आज हमें स्टूडियो में तो नहीं लेकिन हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगी नयाब जान जो कि एक एक्टिविस्ट है। और औरतों की जब बात आती है तो मैंने हमेशा देखा है कि नयाब जो है अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करती है। अस्सलाम वालेकुम नयाब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू too and whoever is watching us, happy women's day to everybody that is celebrating. और नयाब ये बताइएगा आज आप इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद में औरत मार्च का भी जो है वो मरकज बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगी औरत मार्च के हवाले से, आज के दिन के हवाले से एंड जनरली औरतों के हकूक के हवाले से? आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत खास होता है क्योंकि साल का ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम अनअपोलोजेटिकली अपनी बात कर सकते हैं, खवातीन के हकूक की बात कर सकते हैं, हम इसमें जश्न भी मना सकते हैं, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं कि आगे कितना रास्ता बाकी है, कितनी जगह जगह बाकी है। तो इट्स अ वंडरफुल डे विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस। और जहां तक औरत मार्च की आपने बात की तो जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर हर साल पिछले 5 साल से औरत मार्च मनाया जाता है और इस साल भी जोरों शोर से जोशो क्रोश से बहुत सारे शहरों में औरत मार्च हो रहा है और बड़ी तादाद के अंदर खवातीन निकलेंगी, अपने प्लैक कार्ड्स लेके निकलेंगी और मुख्तलिफ शहरों के जो मार्चेस हैं उनकी अपनी अपनी थीम्स होती हैं। तो इस्लामाबाद की अलग है, लाहौर की अलग है, कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये होता है। तो वेरी एक्साइटिंग डे। अच्छा ये भी बताएगा, देखिए औरत मार्च जब होता है तो वो एक खास तबके के लिए होता है जिसमें एक माइंडसेट होता है, कह सकते हैं कि एलीट के लिए होता है। वो औरतें जो कि बैकवर्ड एरियाज में हैं, जिनके साथ वाकई में ये कारोकारी का मसला है, बहुत सारी और जो है वुमेन राइट्स के जो इशू जहां तक आगाही ही नहीं पहुंच सकी है अभी तक, उसके हवाले से क्या इकदामात लेने चाहिए, किस तरह हम अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, आपका इनपुट इस पे जरूर। सुमेता देखिए, जहां तक मार्चेस की बात है तो वो अपने डोमेन के अंदर जितनी ज्यादा इंक्लूसिव हो सकती हैं, मेरे ख्याल में ये एक तासुर बनाया जाता है, एक मिसकंसेप्शन बनाया जाता है कि ये सिर्फ चंद अली खवातीन की मार्चेस हैं, लेकिन 6 तारीख को इस्लामाबाद में जो औरत आजादी मार्च हुआ जहां पर हाउसी बात हुई, हमने देखा कि कच्ची आबादियों से बहुत सारी खवातीन आई, उन्होंने अपने इश्यूज उठाए। इस साल जो मार्च है उसमें इंसाफ की बात हो रही है, वो कराची के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स और उजरत की बात हो रही है तो वहां पे आई एम श्योर बहुत इंक्लूसिव ये मार्च होगा। पहली तो ये बात है। दूसरी जो बात है, देखिए जो आउटरीच, जो वसाइल, जो आउटरीच रियासत और हुकूमत के पास होती है उतनी एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के पास नहीं होती, तो हमने मिलके ये काम करना है। मेरी सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी ये रिक्वेस्ट होगी कि साथ दें खवातीन का, खवातीन एक्टिविस्ट का, कि हम रिमोट एरियाज तक आगाही पहुंचाएं, अपना पैगाम पहुंचाएं। सिंध गवर्नमेंट तो देती ही है साथ, ऑब्वियसली इसी वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स भी, औरत मार्च को भी कम फेस करने पड़ते हैं, बैकलैश भी कम फेस करना पड़ता है। तो लेकिन जो वफाक है उसको भी ये सोचना चाहिए कि दूर दराज के एरियाज में, रूरल एरियाज में मुहिम चलाई जाए, मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे आपने कहा कारोकारी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग्स है, बहुत कुछ और इस तरह की चीजें हैं, वेजेस के इश्यूज हैं, तालीम के इश्यूज हैं, सेहत के इश्यूज हैं। सो स्टेट एंड सोसाइटी मस्ट वर्क टूगेदर और ये एक रियालिटी है कि जो वसाइल रियासत के पास है वो हमारे पास नहीं है। चाहे आप मीडिया आउटरीच की बात कर लें, चाहे आप फिजिकली कहीं जाने की बात कर लें, तो वी मस्ट वर्क टूगेदर। एनजीओ अगर आप देखा जाए तो वो एक हद तक उनकी लेवल होता है कि जहां तक वो जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑन पेज होना चाहिए ताकि, और विमेन मेक अ
वेरी बिग चंक ऑफ द सोसाइटी, और इनकी जहां जहां हेल्थ से रिलेटेड बात आती है, आपने देखा होगा कि हमने हेल्थ इश्यूज के ऊपर अभी आपने देखा होगा सिंध असेंबली में रिसेंटली प्रीनेटल के साथ साथ जो है पोस्टनेटल और इन सारी चीजों के ऊपर थर्ड पार्कर में जहां से हमें बहुत खबरें ऐसी आती थी कि उनकी टेक केयर नहीं होती, वहां पर भी जो है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर न्यूट्रिशन के ऊपर जो है एक माँ की न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और पॉवर्टी एविलिएशन के ऊपर भी इसके ऊपर काम हो रहा है. आप कुछ ऐसा बताएंगी कि कौन से ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो अभी इस साल या इस उसमें अनकरीब जो टाइम है इसमें औरतों से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए हो? बिल्कुल, देखिए ये तो मैं कहूंगी कि इस जिद्दोजहद के अंदर इतने ऐसे लोग हैं, इतने इदारे हैं जो ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं. आप एजुकेशन पे काम हो रही है, बच्चियों के राइट्स पे काम हो रही है, बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जो खवातीन को लोन्स दे रहे हैं अपने बिजनेसेस शुरू करने के लिए, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं. You will try to look, you will find loads of people जो ये काम कर रहे हैं. और मैं समझती हूँ अगेन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है, सिविल सोसाइटी, एनजीओस, तंजीमें, स्टूडेंट्स, यंग वुमेन, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स, सबको इस पे मिलके काम करना है. मिलके काम करेंगे तो ही इसको हम सक्सेसफुल, जो हम चाहते हैं कि औरतों का एक मुकाम हो, इक्वालिटी हो, वही उस तक हम पहुंच सकेंगे. थैंक यू सो मच नयाब, आपने इतना हमें टाइम निकाला. आई नो यू आर रियली बिजी आज, क्योंकि औरत मार्च भी है और आप एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इंशाल्लाह आपसे फिर हम बात करेंगे कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे. थैंक यू सो मच. Happy Women's Day to you too. Thank you, Naya, for joining us. Allah Hafiz.